एक बार फिर हो गई है विकास की घर में एंट्री। भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है विकास तो छुट्टियां मनाने ही आए हैं। सच में क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई विकास आए, अर्शी को पूल में धक्का दिया और घर से बेघर हो गए। फिर दोबारा आए, इस बार उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर घर से बेघर हो गए और एक बार फिर से वापस आ चुके हैं घर के अंदर। जी हाँ, इस बार जब सामान पैक करवा के बाहर बुलवा लिया गया था तो ऐसा लगा था कि अब विकास गुप्ता की रीएंट्री नहीं होने वाली है, क्योंकि फिनाले के इतना करीब है और बार बार किसी कंटेस्टेंट को बाहर अंदर करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज हो जाती है कि उस कंटेस्टेंट को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है हर बार जब वो घर से बाहर जाता है और हर बार जब घर के अंदर आता है। तो यहाँ पर विकास गुप्ता को भी वो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है और यहाँ पर एक बार फिर से हो चुकी है उनकी री एंट्री। जी हाँ, तबियत सही करने के बाद, तबियत को ठीक करने के बाद वो घर के अंदर फिर से दिखाई दिए। कल लाइव फीड के दौरान वो सभी से चर्चा करते हुए भी दिखाई दिए, सबसे बात करते हुए दिखाई दिए, घर के अंदर दोबारा से दिखाई दिए हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग खबर है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली शॉकिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी री एंट्रीज हुई है ना, और इतनी बार बार री एंट्रीज हुई है कि विकास गुप्ता की री एंट्री बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गेम का मजा कम कर देती है, क्योंकि बाहर की डिटेल्स जब अंदर आती है ना, जब कंटेस्टेंट्स को पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है, तो वो उसका गेम भी अफेक्ट करती है, और जब गेम अफेक्ट होता है तो ऑडियंस इसका मजा अफेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी किसी ना किसी को चूज करके बैठे होते हैं कि वो इस तरह जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसको मिलती है कुछ इन्फॉर्मेशन और उसका दिमाग पलट जाता है। तो भाई यहाँ पे ये चीज में तो मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि बार बार री एंट्रीज हो रही है विद आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। इसके लिए या तो बिग बॉस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रखने चाहिए या फिर रीएंट्रीज पर अब रोक लगानी चाहिए, क्योंकि फिनाले बहुत करीब है। अब कंटेस्टेंट्स का असली गेम नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा बिग बॉस? आप लोगों को क्या लगता है, बार बार होने वाली रीएंट्रीज फेयर हैं या फिर अनफेयर? आइए करते हैं कमेंट सेक्शन में इसकी चर्चा, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी कई सारी खबरें जो हमें आप तक पहुंचानी है।